हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो एमकेजे टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप? लग गई जी, लग गई बाजार की लंका, लग गई। अब जो लोग कहते थे बाजार 6,000 कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा, आ गया ना 6,000। भाई इंडेक्स भले 6,000 ना आए हो, पर कई सारे शेयर 6,000 के भाव पे अवेलेबल हैं, ऐसे ऐसे रेटों पे। हालांकि पूरा 6,000 तो नहीं कहूँगा, थोड़ा गलत हो जाएगी, अतिशयोक्ति हो जाएगी, पर बहुत सारे शेयर इस वक्त जो हैं 11-12 हज़ार के इंडेक्स के अवेलेबल है, 10 से 12 हज़ार के बीच, जिसमें प्रमुख हैं टाटा पावर देख लो, आपका ABSL देख लो, आदित्य बिरला सन लाइफ AMC वाला शेयर जो है, ABSL AMC देख लो, और बहुत से शेयर हैं, अपना वो देख लो, जोमेटो देख लो, बहुत सारे शेयर हैं जो अपने बहुत बहुत लो पे अवेलेबल हैं। तो भैया इंडेक्स कभी कभी बहुत नीचे नहीं आता है, जैसा कि मैं कह रहा हूँ बाजार 15,000 काटेगा, तो बाजार ने तो 15,000 किया, शेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से 13,000 भी कट गया, इस बात को समझो। इसी तरह जब मैंने कहा था 6,000 बाजार कटेगा, तो बाजार 7,500 आ गया था, पर 9,000 के लेवल के आसपास भी बतेरे ऐसे शेयर थे जो भाई साहब 7,500 के लेवल से भी बहुत कम रेटों पे अवेलेबल थे। ये तो निगाहें चाहिए पार्की, तो कहते हैं गॉन आर बुल्स, गॉन आर बेयर्स, ईगल इज द विनर, लेट्स बी क्लियर। तो यानी पार्की निगाहें चाहिए आपके एंड पे। इस वक्त बतेरे बढ़िया शेयर मिल रहे हैं सस्ते रेटों पर, मैंने आज दबाकर जम के खरीदारी करी है, जिसका लाइव डेमो मैंने व्हाट्सएप के और यूट्यूब के स्टूडेंट्स को दिया। अगर आप भी मेरे स्टूडेंट्स बनना चाहें, रिस्क रिवॉर्ड समझना चाहें, व्हाट्सएप पे तो फ़ोन नंबर है 70 11 323 077, 70 11 323 077, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यूट्यूब के स्टूडेंट बनना चाहें तो मेंबरशिप सेक्शन में जाकर बन सकते हैं। भाई बाजार कैसा भी चल रहा हो, गिर रहा हो, बढ़ रहा हो, अपना तो हर महीने प्रॉफिट निकल ही आता है। इस महीने जो है मेरा अच्छा प्रॉफिट आया, मैं आज कैलकुलेट कर रहा था, अभी कल का दिन बचा है। हालांकि कल मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं है, मुझे आइडिया है कल 70,000 रुपये और बचेंगे, इससे ज़्यादा मेरे को लगता है मंथ मेरा क्लोज हो जाएगा। तो वन ऑफ द वेरी गुड मंथ्स फॉर द करंट ईयर, करंट ईयर भी खत्म होने वाला है, उसमें भी अच्छा प्रॉफिट आ गया, जिसकी चर्चा मैं अपने सभी स्टूडेंट्स के साथ व्हाट्सएप के, यूट्यूब के स्टूडेंट्स के साथ डिटेल में चर्चा करूँगा, उनको दिखाऊँगा कैसा ये साल जो था बेहाल पर गुजरा ठीक हाल। ये साल जो था बेहाल पर गुजरा ठीक हाल, यानी अपना तो ठीक ठाक ही गुजर गया, प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से और आपकी शुभकामनाओं से। और आपको जान के हर्षोल्लास होगा, वेदांता का बड़ा डिविडेंड आ रहा है, आज डिक्लेरेशन होगी होगी, हालांकि मैंने न्यूज़ अभी देखी नहीं, मैं देख लेता हूँ अगर मिल जाती है तो, क्योंकि भैया बताना तो बच्चों को पड़ता ही है। तो आज ऐसे मीटिंग है, लिखा हुआ है डिविडेंड कितना दिया, कुछ आया अभी नहीं आया जी, कल तक आ जाएगा, आज अनाउंसमेंट डेट थी, अभी तो मेरे ख्याल कोई आया नहीं, तो कल न्यूज़ में आ जाएगा भाई कितना डिविडेंड डिक्लेयर किया। सुबह अपने टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसी से ज्वाइन करिए, वहाँ मैं बताऊँगा जहाँ की भी क्या डिविडेंड रहा। और एक अच्छी खुशखबरी है, ईयर एंड का वक्त है, डीमैट अकाउंट खुलवाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, उसी लिंक से खुलवाइए और हमारे प्राइवेट चैनल के सदस्य बनिए, जिस पर ढेरों एजुकेशनल वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। तो मैंने कहा भाई वक्त है, सारी बातें आपको बता दें। अब बात करते हैं बाजार के, चर्चा भी बाजार में कैसा रहा हाल। भाई आज जो है फियर घटा है, मार्केट मूड में हल्का इम्प्रूवमेंट है, बहुत बड़ा तो नहीं है, हल्का इम्प्रूवमेंट है, पर मार्केट अभी भी एक्सट्रीम फियर के दौर से गुजर रही है। US डॉलर इंडेक्स बड़ा बेहतरीन हो गया, बड़ा फेवरेबल हो गया है, और क्रूड और महंगा हो गया है, एडवर्स। रुपया थोड़ा सा गिरा है, 82 के ऊपर है, ठीक ठाक है, और US ट्रेजरी यील्ड बढ़ी है और 3.5 के ऊपर गिरी है, जो नेगेटिव। तो दो अंतर्राष्ट्रीय संकेत नेगेटिव, दो पॉजिटिव। आज हमारे बाजार 4.5% से थोड़ा कम गिरकर बंद हुए, 17,000 के नीचे खुलते हैं, 16,985 पे क्लोजिंग थी पिछली बार की, आज 17,000 के हल्का ऊपर खुलते हैं, 17,031 पर, पीक आज का शुरुआती दौर में ही 17,061 बना के सारा दिन नीचे की यात्रा करते हैं, फिर स्टेबल रहते हैं, लास्ट में बॉटम बनाते हैं 17,913 का और चढ़ जाते हैं। ऑपरेटर बहुत शातिर है, षड्यंत्र खेल रहा है, इंडेक्स को नहीं गिरा रहा पर शेयरों की वाट लगा रहा है। कैसा लगा डायलॉग, इंडेक्स को नहीं गिरा रहा पर शेयरों की वाट लगा रहा है? आप अपना एक्सपीरियंस कमेंट्स में शेयर करिए, आप किस शेयर में फंसे और कौन सा शेयर लग रहा है आपको अच्छा वो बताइए। 16,951 पर बाजार बंद हुआ, 34 पॉइंट गिरकर
0.2% की गिरावट के साथ। आज इंडसइंड बैंक ने काफ़ी इंडेक्स को संभाला। UPL, डॉक्टर रेड्डी दो शेयर ज़्यादा तेज थे, एक इंडसइंड बैंक और UPL, बाकी सब तो हल्की फुल्की सी तेजी देखने को मिली। और गिरने वालों में अदानी एंटरप्राइज, अदानी पोर्ट सबसे आगे थे, मेरे नौजवान सबसे आगे थे। टेक महिंद्रा में भी आज बड़ी गिरावट देखने को मिली। हीरो मोटर को अब चल नहीं पा रहा, जब चढ़ता है लड़खड़ाकर गिर जाता है। ऑटो के शेयर मरे हुए हैं मैडम, ऑटो पे मुझे सोच रहा हूँ 20 पे ध्यान लगाएंगे कल, आप याद दिलाना। ONGC, भारतीय एयरटेल भी गिरे हुए थे, गिरने वाले शेयर्स ज़्यादा थे। भाई बाजार तो उसी रेंज में कंसोलिडेट सही कर रहा है, तीन दिन से कैंडले एक के सामने एक बनकर लोगों का उल्लू खींच रहे हैं। बाजार इंडेक्स लेवल पे नहीं गिरा रहे और शेयर को बुरी तरह से मार रहे हैं। बहुत खतरनाक किस्म का खिलाड़ी है ये ऑपरेटर। भाई कैंडलस्टिक चार्ट पे तो देखो अब एक कंसोलिडेशन काफ़ी, अगर बड़ा देखोगे तो ये पीरियड रहा है कंसोलिडेशन, एक बड़ा कंसोलिडेशन काफ़ी समय से चल रहा है, 6-7 दिन से रेंज बाउंड है। 17,200 के ऊपर नहीं जाता बाजार और 17,800-900 के नीचे नहीं आता, 17,900 और 17,200 के बीच ही क्लोजिंग दे रहा है 300 पॉइंट के अंदर। और भी नैरो रेंज कर सकते हैं, नैरो रेंज करेंगे तो 250-250 पॉइंट की रेंज आएगी जिसके अंदर बाजार जो है लगातार घूम रहा है। 200 की आएगी वैसे तो 200 के आसपास ही आएगी, 200-225 कह रहे इसी रेंज में बाजार घूम रहा है। जब इतना बड़ा कंसोलिडेशन होता है तो एक बड़ा ब्रेकआउट हो सकता है ऊपर या नीचे की तरफ। भाई मैं तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड तो नीचे का है पर ब्रेकआउट ऊपर का भी हो सकता है, इसलिए मैं प्रॉफिट बुकिंग कर रहा हूँ और नए शेयर खरीद रहा हूँ। आज भी प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से, आपकी शुभकामना से अच्छा खासा मुनाफा कमाया। भाई अब जो आपका MACD चार्ट है वहाँ बाजार थोड़ा सा मजबूत है क्योंकि हरा हिस्टोग्राम बना है। RSI पे भी स्टेबल है, 40 के नीचे तो वीक ही कहेंगे, इधर वीक है, इधर न्यूट्रल कह लीजिए क्योंकि कट तो रानी है, और यहाँ पर कंफ्यूज कह लीजिए। कैंडलस्टिक चार्ट पर तीन तरह के इंडिकेटर निकल के आ रहे हैं। अब हम ऑप्शन चेन एनालिसिस की बात करें तो 17,000 के लेवल पे भयंकर कांड हुआ है, कॉल राइटर्स ने दबा के कॉल राइटिंग की और पुट राइटर्स भाग गए। पुट राइटर्स 16,500 पे थोड़ी सी पोजीशन बढ़ाई है, बीच में 16,800 पे भी उनकी काफ़ी पोजीशन है जिसका डाटा मैडम ने शेयर नहीं किया है, हालांकि वो डाटा मैं खुद देख रहा था तो मुझे नज़र आया था। 17,100 पे भी देखेंगे काफ़ी सारी कॉल राइटिंग बढ़ी है, जिसके चलते अगर आप PCR देखेंगे तो उसमें आज गिरावट आई है 0.68, जो इस दौर का काफ़ी लोएस्ट लेवल का PCR है वो आपके समक्ष नज़र आया है। ये बाज़ार की कमजोरी दर्शाता है, अब देखते हैं बाज़ार कल क्या काम करता है। अब अगर आप आ जाएंगे निफ्टी बैंक में तो जहां निफ्टी 50 पिटता हुआ रोता हुआ ललियाली में बंद हुआ, निफ्टी बैंक हंसता हुआ गाता हुआ हरियाली में बंद हुआ। 39,431 की पिछली क्लोजिंग थी, 100 पॉइंट से ऊपर 125 पॉइंट के लपेटे में 39,545 में खुलकर एक बॉटम बनाता है शुरुआती दौर में 39,326 का, फिर चढ़ता है फिर गिर जाता है फिर भागता है और आखिरी क्षणों के आसपास 39,645 का पीक बनाकर वहीं 39,567 पर 136 पॉइंट बढ़कर 0.35% की तेजी के साथ निफ्टी 50 को जीप दिखाता हुआ आगे निकल जाता है। इंडसइंड बैंक मेन कारण था इसके आगे भागने का, सपोर्ट दी HDFC बैंक ने, ICICI बैंक ने, फेडरल बैंक ने, हालांकि फेडरल बैंक की खास सपोर्ट नहीं थी क्योंकि इसका वेट काफ़ी कम है। एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा सब मरे हुए थे, बंधन बैंक अपनी बैंड बजवा रहा था, सबसे ज़्यादा लोगों को रुला रहा था। PNB, AU Finance, IDFC फर्स्ट बैंक में भी गिरावट देखने को मिली। अब इसकी जो कैंडल है तीन दिन से ये भी खोई खोई है, खोए खोए रहते हैं राहों में वाली बात है। अब ये तो ऊपर जाके नीचे आ गया, अब थोड़ा सा ऊपर की तरफ यात्रा बना रहा है और ये अपने 200 दिन मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। निफ्टी बैंक निफ्टी 50 के मुकाबले ठीक ठाक नज़र आ रहा है, इसने ऊपर की यात्रा पूरी कर ली है, नीचे की काफ़ी यात्रा बची हुई है, तो भाई सूनर लेटर इसको भी नीचे की यात्रा को कवर करना चाहिए। पर यहाँ क्या हुआ है, MACD चार्ट पे काफ़ी स्ट्रेंथ नज़र आई है, स्ट्रांग हो गया, क्यों, क्योंकि बुलिश क्रॉसओवर बन गया। कैंडलस्टिक चार्ट पे भी स्ट्रेंथ है कैंडल चार्ट पे, ठीक है, और MACD पे तो स्ट्रांग हो गया, स्ट्रेंथ से ज्यादा बड़ा वर्ड होता है स्ट्रांग, और यहाँ पे भी स्ट्रेंथ है, यानी अब धोखा मिलने का मौका निफ्टी बैंक में है। स्ट्रेंथ बनाकर ऑपरेटर ऐसे माहौल में बुरी तरह से झटके से लगा देता है, जिसके चलते आप देखेंगे 39,500 पे कॉल राइटर्स भाग गए, पुट राइटर्स टिके हुए, कॉल राइटर्स भागे,
मैक्सिमम पेन भी यहीं पर है, जिसके चलते पीसीआर अगर आप देखेंगे इसमें इम्प्रूवमेंट आई है, 0.87 का हो गया, यानी ये मजबूती दर्शाता है। जैसा कि मैंने पहले ही बोल दिया था, निफ्टी बैंक निफ्टी 50 के मुकाबले मजबूत और तेज है। अब अगर हम बात करें टोटल ट्रेड्स की, तो आज मैंने बहुत ट्रेड किए यार, बहुत ट्रेड किए बताऊँ। मैंने एमरल्ड और सफायर के 17 ट्रेड किए, मायने रखता है। डायमंड के 2, 19, एक स्टॉक्स के ऑफ 20, 2 प्लैटिनम की 22, 23, 24 पर 26, 27 ट्रेड किए और कुल प्रॉफिट 52,400 का बनाया। हर सेगमेंट के लोगों को मैंने आज नए नए ट्रेड दिए, जिसके चलते L&T फाइनेंस की मैंने 2 कॉलें भेजी थी, एक को स्क्वेयर ऑफ कर डाला, 30,341 का प्रॉफिट हुआ। MGL के मैंने 100 शेयर बेचे 980 रुपये के लपेटे में, मेरे पास अभी भी 1,328 शेयर पड़े हैं और इसमें मुझे लगभग 20,000 का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि मेरी कॉस्ट 780 है, बीके 980 के आसपास है, लगभग 200 का प्रॉफिट हुआ। मल्टीप्लाई करो 100 से तो 20,000 आता है। हिंडालको की पुट को मैंने स्क्वेयर ऑफ कर डाला, मैंने कहा पुट एक प्रॉफिट दे रही है, इसको स्क्वेयर ऑफ कर लो, फिर बेच लांगे। मौके और धोखे मार्केट में मिलते हैं, जिसके चलते 2,170 रुपये का प्रॉफिट कमाया। तो थोड़े ट्रेड किए, अच्छा मुनाफा कमाया, प्रॉफिट प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से, आप लोगों की शुभकामनाओं से कमाया। कैसा लगा, मज़ा आया? वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और आप शेयर बाजार के बेताज बादशाह बनिए।